डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, वाइटल इम्पॉर्टेंट फॉर व्हाट, फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। संसाधन इंसान के जीवन यापन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक अच्छा जीवन स्तर अगर आपका हो, आप चाहते हैं अच्छा जीवन स्तर जीना, व्हाट इज़ द मस्ट रिसोर्सेस, व्हाट आर दीज रिसोर्सेस, व्हाट एवर डू वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। संसाधन, इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ऐसा पहले माना जाता था, दीज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, इसको नेचर ने हमें फ्री में दिया है, जितना चाहो इस्तेमाल करो। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली, नॉट जुडिशियसली, इनडिस्क्रिमिनेटली, एंड दिस लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर फेसिंग सच प्रॉब्लम्स। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स, कुछ लोगों की वजह से, कुछ पर्टिकुलर लोगों की ग्रीड, लालच की वजह से हमारे रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, नॉट ओनली दैट, इट इज़ सेंट्रलाइज्ड, रिसोर्सेज आर सेंट्रलाइज्ड इन फ्यू हैंड्स, कुछ एक हाथों में, विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इंटू टू सेगमेंट्स, दैट इज हैव्स एंड हैव्स नॉट। सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक वो जिनके पास संसाधन हैं हैव्स, और एक वो जिनके पास नहीं है हैव नॉट्स, अदरवाइज रिच एंड पुअर। सोसाइटी डिवाइड हो गई टू पार्ट्स में, टू सेगमेंट्स में, रिच एंड पुअर। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अब हम अपने रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना ध्यान दिए, पूरा एक्सप्लॉयटेट करते हैं, दोहन करते हैं। दैट इज़ वाई इट हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, सच एज ग्लोबल वार्मिंग, यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट, ओजोन लेयर डिप्लीशन बिकॉज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। मिट्टी की उर्वरा शक्ति, उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है। एंड एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम इसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। नाउ इट इज़ द डिमांड ऑफ द डे, एंड एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, फॉर व्हाट, फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। रिसोर्सेज को इक्वली बांटा जाना चाहिए, ताकि सब लोग पीसफुली और क्वालिटी लाइफ जी सकें। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाई अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूड, अगर ऐसे ही चलता रहा, द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाई अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट इज इन डेंजर। तो हमारी जो प्लानट है अर्थ, उसका फ्यूचर खतरे में है। Therefore, resource planning is essential. What is required for us? Resource planning for sustainable existence of all forms of life, whether flora or fauna. Sustainable existence is a component of sustainable development. So what is this sustainable existence? This is a component of sustainable development. To develop yourself without harming the environment, without harming the needs of future generation. Now, what is the definition of sustainable development? Let's see. Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future
जनरेशन, एज आई टोल्ड यू कि आज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं रिसोर्सेज को, उसका फ़र्क हमारी आने वाली जनरेशन पे नहीं पड़ना चाहिए विदाउट डैमेजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, विदाउट कंप्रोमाइजिंग विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस. रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992. रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में अर्थ समिट 1992 में होती है. इन जून 1992, कब? जून मंथ में. मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट. इट वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्ड. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. So, more than 100 heads of states gathered over there for discussing the matter of urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. They came together to have a talk. The assembled leaders signed the Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity. And whoever were present over there, more than 100 heads of states, countries, signed the declaration. उन्होंने एक पत्र पे हस्ताक्षर किए on global climate change and biological diversity. The Rio Convention, this meeting endorsed the global forest principles. से लागू होता है global forest principle and adopted agenda 21. और उस time सब ने adopt किया एक agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. So agenda 21 basically related to 21st century. In which century we are living right now. So what is this Agenda 21? Let's see. Agenda 21, it is a declaration signed by world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development. Full form, UNCED, United Nations Conference on Environment and Development. It can also be asked in your examination, what is the full form of UNCED, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. Where? In Brazil. When? In 1992. It aims at achieving global sustainable development. What was its aim? It aims at achieving global sustainable development. सब एक बात पे सहमत थे कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए हमारी वजह से. It is an agenda to combat environmental damage. इन्वायरमेंटल डैमेज से लड़ने के लिए एजेंडा बनाया गया. नॉट ओनली दैट, पावर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, उसके अलावा गरीबी से लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, सब एक साथ आए. म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो सबने ये तय किया कि सब लोग साथ मिलके इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, इन सारी समस्याओं से लड़ेंगे. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. So it was also declared that every country, local government, should draw its own local Agenda 21. Now resource planning. Planning is widely accepted strategy for judicious use of resources. What is resource planning? That is most important for us. This is the demand of the day. Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resources. Hum judicious use karein, jitni jarurat ho utna hi istemal karein. It has importance in a country like India. Bharat jaise desh mein jahan abadi itni adhik hai, ye bahut hi important hai. Which has enormous diversity in the availability of resources. हमारे वहाँ रिसोर्सेज भी
डाइवर्सिफाइड हैं, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं लेकिन विभिन्न प्रकार के मिलते हैं। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशियंट इन सम अदर रिसोर्सेज। कहीं पे कोयला ज़्यादा मिलेगा, कहीं पे ऑयल मिलेगा, कहीं पे कॉपर मिलेगा, और कुछ ऐसी जगहें मिलेंगी जहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं मिलेंगी, कुछ एक चीज़ें खास मिलेंगी। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशियंट, कमी है वहाँ वो चीज़ें नहीं पाई जाती इन सम अदर रिसोर्सेज। कहीं पानी है तो कहीं पानी नहीं है। देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशियंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। कुछ ऐसे जगह मिल जाएंगे आपको, कुछ ऐसे क्षेत्र मिल जाएंगे जो ये कह सकते हैं कि सेल्फ सफिशियंट हैं, उन अपनी ज़रूरत का सामान उनके वहाँ अवेलेबल है। दे आर रिच इन रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। बहुत सी ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज पाया जाता है, बिल्कुल वो चीज़ें मिलती ही नहीं, रिसोर्सेज मिलते नहीं, वाइटल रिसोर्सेज लाइक वाटर। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। दीज आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट्स। अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश में पानी तो बहुत है, हिली रीजन भी है, बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। बिकॉज ऑफ हिली रीजन इट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। वहाँ आप आसानी से रोड्स नहीं बना सकते, रेलवे लाइन नहीं बिछा सकते। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोर्ड, मिला हुआ है इसको विद सोलर एंड विंड एनर्जी। यहाँ पे आप सोलर एंड विंड एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, लेकिन पानी बहुत कम है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। अब लद्दाख की बात करें, द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, द कोल्ड डेजर्ट जहाँ बर्फ़ ही जमी रहती है हमेशा, इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड, अलग थलग पड़ा रहता है ये फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। क्यों? क्योंकि वो जोड़ा नहीं जा सकता बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अनअवेलेबिलिटी। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डिफिशियंट इन वाटर। यहाँ भी पानी नहीं मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, मिनरल्स कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी नहीं मिलते। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। अब इसकी वजह से ये नीड हो जाती है हमारी, इट इज़ मैंडेटरी फॉर अस। वॉट इज़ मैंडेटरी? अ बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग, ताकि सबको इक्वली रिसोर्सेस अवेलेबल कराए जा सके। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, वट हैज़ द गवर्नमेंट डन, वट इज़ द गवर्नमेंट डूइंग? रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। तो सबसे पहले ये जाँच की जाएगी कि कहाँ पर रिसोर्सेज हैं, फिर उसको साइंटिफिकली पता लगाया जाएगा कि कितने रिसोर्सेस हैं, क्वालिटी क्या है उसकी, एंड देन इट विल बी एस्टिमेटेड। सेकेंड वन, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, स्किल जो हमारे पास अवेलेबल है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप अवेलेबल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, उसका हम इस्तेमाल करेंगे, और अगर नहीं अवेलेबल है तो उसकी व्यवस्था करेंगे। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, दीज टू बी मिंगल्ड, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हेन इन 1951।
तो पहली पंचवर्षीय योजना के बाद से ही इंडिया अपने गोल को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। अगर आपके पास रिसोर्सेस नहीं हैं तो आप कहाँ से डेवलप करोगे। बट मियर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट। लेकिन अगर केवल रिसोर्स ही अवेलेबल हो, आपके पास टेक्नोलॉजी ना हो, इंस्टीट्यूशंस ना हो, में हिंडर डेवलपमेंट, तो आपका विकास रुक सकता है, उसमें बाधा पड़ सकती है। देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं इंडिया में, दोज आर रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। ऑन द कंट्ररी देयर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। लेकिन वो आर्थिक रूप से डेवलप्ड हैं, हालांकि उनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं हैं। बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं, रीजन्स हैं, जहाँ पर रिसोर्सेस तो अवेलेबल हैं लेकिन वो डेवलप्ड नहीं हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बोले जाते हैं वो। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। अगर हम कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री को पढ़ें तो उससे क्या पता चलता है, रिसोर्सेज इन कॉलोनीज, इंडिया में ढेर सारे रिसोर्सेज थे तो ब्रिटिश लोग या फॉरेन इन्वेडर्स, आक्रमण करने वाले यहाँ आते थे, उसी से मोहित होकर के, अट्रैक्ट होकर के। इट वॉज प्राइमरली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन्स एंड एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कॉलोनीज। अपने साथ वो टेक्नोलॉजी भी लेके आते हैं और एक्सप्लॉइटेशन की वजह से दूसरे रीजन्स में भी वो चले जाते हैं एंड एस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी, और अपने आप को सुप्रीम बना लेते हैं ओवर द कॉलोनीज, और आगे चल के शासन भी करने लगते हैं। दे रूल्ड इंडिया। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. So it is a must. Resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development as well as institutional changes. India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experiences of the people. Now the last heading that we have, conservation of resources. Resources are vital for any developmental activity. These are very important. But irrational consumption and over-utilization of resources may lead टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर हम इसको बिना ध्यान दिए जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, दैट विल कॉज टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पॉर्टेंट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। For example, Gandhiji was very apt in voicing his concern about resource conservation in these words. What were the words of Gandhiji? There is enough for everybody's need and not for anybody's greed. Need के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन greed के लिए बिल्कुल नहीं है. He placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause of resource depletion एट द ग्लोबल लेवल। किसको जिम्मेदार मानते थे वो रिसोर्स डिप्लीशन का? वन, ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ही वॉज अगेंस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाई द मासेस। वो अगेंस्ट थे मास प्रोडक्शन के, बहुत सारे, बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्शन के वो खिलाफ थे एंड वांटेड टू रिप्लेस इट, और चाहते थे कि प्रोडक्शन
मासेस के जरिए हो, बहुत सारे लोग प्रोडक्शन करें, न कि बहुत अधिक मात्रा में। एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे इन 1968। सब्सिक्वेंटली इन 1974 गांधीयन फिलोसफी वॉज वंस अगेन प्रेजेंटेड बाई सुमाकर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटिफुल। सो वॉट इज द बुक ऑफ सुमाकर? स्मॉल इज ब्यूटिफुल। द सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वॉज मेड बाई द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987। द सिमिलर दिस रिपोर्ट इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन विच वॉज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वॉज मेड एट द अर्थ समिट एट रियो डी जेनेरो ब्राजील इन 1992। दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।